हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू TCD। तो आज हम करने वाले हैं ये और ये और ये और हाँ ये भी करेंगे एंड ये भी करके देखेंगे कि कैसी है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की कैपेबिलिटीज़। सो फर्स्ट चैलेंज है यहाँ पे स्पीड रन। तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ये गाड़ी यहाँ पे बहुत तेज यहाँ से जाने वाली है मिट्टी उड़ाते हुए। तो देखते हैं कैसा रहेगा। नेक्स्ट चैलेंज है ये बेसिकली था टू चेक द टर्निंग रेडियस की टर्निंग रेडियस काफ़ी कम है। कार यहाँ से जाएगी और बहुत तेज़ यू टर्न करके वापस आएगी। उसमें क्या करेंगे? तो बेसिकली आप कोन्स रखे हुए हैं, आपको कोन्स को लेफ्ट राइट टाइट टर्न लेते हुए नेविगेट करना है। ठीक है। और नेक्स्ट चैलेंज है होल्ड द हिल। तो कार वहाँ से आएगी एंड यहाँ पे चढ़ेगी और उसके बाद ब्रेक वो रिलीज़ कर देंगे ताकि देख सके कि हिल होल्ड कैसे वर्क कर रहा है। सो कार यहाँ पे आएगी, 3 सेकंड के लिए सब कुछ रिलीज़ कर देंगे, 3 सेकंड के लिए होल्ड रहेगा एंड आप देख सकते हैं अपने आप जो कार है वो फिर ब्रेक रिलीज़ हो जाती है। और अब हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला है। शायद ऑफ रोडिंग में फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। तो ये ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज है। तो उसमें जो गाड़ी का ड्राइवर है वो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है बल्कि गाड़ी पूरी ब्लाइंड फोल्डेड है। तो यू कैन सी कार में कोई भी ऐसा मिरर नहीं है जो कि क्लियर हो। तो प्रॉपर यहाँ पे स्टिकर लगाए हैं और बिल्कुल ब्लैक कर दिया गाड़ी को ताकि कुछ दिखे ही ना अंदर से बैठ के। एक बारी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, कम्प्लीटली ब्लाइंड फोल्डेड है, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। तो पूरा ये ब्लैक करा हुआ है और हम जाने वाले हैं अभी इस ट्रैक पे बिल्कुल ये ब्लैक कार के साथ। तो कार को ब्लाइंड फोल्ड करा गया ताकि हम रिवर्स कैमरा को एक्चुअल में चेक कर सके कैसे ये वर्क कर रहा है। तो गाड़ी जो है पूरी रिवर्स में जाएगी इस ट्रैक पे वहाँ तक पूरा, ताकि जो रियर कैमरा की एफिशिएंसी है उसको चेक करा जा सके। सो ये वाला चैलेंज दोस्तों खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा चैलेंज मिलने वाला है और कैसी परफॉर्म करेगी ये कूपे SUV। सर अब नेक्स्ट चैलेंज कौन सा है? सर नाउ दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस चैलेंज। सो इन दिस वी आर गोइंग टू टेक दिस वाटर, फिल इट टू द ब्रिम एंड कीप इन द कंपोजर। और फिर हम इस ट्रैक पे ड्राइव करेंगे टू चेक की कितनी स्टेबिलिटी है कार में। सर की स्किल भी देखेंगे और गाड़ी की कैपेबिलिटी भी देखेंगे। सो फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस। इतने बड़े पॉट होल से जाएगी कार और बाद में चेक करेंगे कि वाटर स्पिल कितना हुआ है यहाँ पे। तो आई गेस बहुत ज़्यादा स्पिल हुआ होगा जिस रास्ते से जा रही है। कितना स्पिल हुआ वाटर? बहुत कम स्पिल हुआ है, बहुत कम। सो यू कैन सी ओनली वन लेवल, जस्ट कीप इट स्ट्रेट, फास्टेस्ट है, वन लेवल हुआ है। अब नेक्स्ट चैलेंज ओवर, डन हो गया सर, डन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की ओवरऑल कैपेबिलिटीज आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और क्या आप परचेज करेंगे इस कार को या फिर आप लेंगे ब्रेजा या फिर ग्रैंड विटारा, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।